नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 जुलाई गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेशनल डॉक्टर्स डे के खास मौके पर देश के चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों से चर्चा करेंगे। भारतीय चिकित्सा संघ की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि रविवार को आयोजित मासिक कार्यक्रम मन की बात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के इस दौर में डॉक्टरों के योगदान की सराहना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा था, हम सभी 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाएंगे। अनलॉक 3 की गाइडलाइन के तहत राजस्थान में आज से शादी समारोह में 40 लोगों के शामिल होने की छूट होगी, लेकिन अन्य बंदिशें बरकरार रहेंगी। इनमें डीजे, बारात निकासी और प्रीति भोज पर रोक शामिल है। इन बंदिशों को पहले 30 जून तक जारी रखा गया था, लेकिन उसके बाद 30 जून को इस संबंध में कोई नया आदेश सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया है। इसे माना जा रहा है कि गहलोत सरकार अभी कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती है। देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में लोगों को बारिश के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। ये इलाके इस समय तेज गर्मी से जूझ रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली समेत उत्तर पश्चिमी भारत में 7 जुलाई से मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। इसके बाद ही पूरे देश में मॉनसून की बारिश संभव होगी। कांग्रेस में निर्दलीय और बसपा से आने वाले विधायकों को ज्यादा तवज्जो मिलने का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। 13 निर्दलीय और 6 बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों को मिलाकर कुल 19 सीटों के हारे हुए सचिन पायलट समर्थक उम्मीदवारों ने एकजुट होकर फिर अनदेखी का मुद्दा उठाया है। पायलट समर्थक हारे हुए उम्मीदवारों ने कल दिल्ली पहुंचकर प्रभारी अजय माकन से मिलने का समय मांगा, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। फोन टैपिंग मामले को लेकर आज सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी के समर्थन में कांग्रेसी नेताओं की ओर से सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है। जोशी के समर्थन में एडवोकेट राजेश कर्नल और अन्य वकील कार्यकर्ता सवेरे 10 बजे से जयपुर के शहीद स्मारक पर आयोजन कर रहे हैं। इससे पहले जोशी को फोन टैपिंग केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का नोटिस मिलने के बाद उनके समर्थकों ने पूरे जयपुर शहर में पोस्टर लगाए थे और बड़ी चौपड़ पर प्रदर्शन किए थे। डूंगरपुर जिले के राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। भाजपा के पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा डूंगरपुर ने बीटीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई वसावा से मुलाकात कर भारतीय ट्राइबल पार्टी के सदस्यता ग्रहण करते हुए बीटीपी का दामन थाम लिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस निरीक्षक प्रदीप शर्मा के ठिकानों पर सर्च किया। सुरसागर पुलिस थाने में पदस्थापित थानाधिकारी प्रदीप शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायतें मिली थी। इसके बाद आज एसीबी की टीमों ने उनके ठिकानों पर सर्च कार्रवाई की। एसीबी का ये एक्शन डीजी बीएल सोनी व एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में किया जा रहा है। बीकानेर में 2 दिन 0 पॉजिटिव के बाद गुरुवार को सुबह की रिपोर्ट में फिर से 2 संक्रमित मिले हैं। ऐसे में 0 का रिकॉर्ड टूट गया है। ये भी साबित हो गया है कि 0 आने का आशय ये नहीं है कि जिले में कोई संक्रमित नहीं है। बड़ी संख्या में लोग बुखार सहित अन्य लक्षणों के बाद भी अपनी जाँच नहीं करवा रहे हैं। ऐसे में सावधानी हटते ही दुर्घटना घटने की आशंका बनी हुई है। रामदेवरा स्थित विश्वविख्यात बाबा रामदेव समाधि स्थल 76 दिन बाद भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। आज सुबह 5 बजे अभिषेक व आरती के साथ समाधि स्थल के दर्शन हुए। इस दौरान परिसर बाबा के जयकारे से गूंज उठा। बाबा रामदेव समाधि समिति के व्यवस्थापक कमल छंगानी ने बताया कि वैक्सीन की पहली डोज भी लगी होने पर ही भक्तों को समाधि स्थल के दर्शन की अनुमति दी जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए आवश्यक 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलएड में प्रवेश के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा प्री डीएलएड के लिए अब तक 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। प्री डीएलएड के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई तक किए जा सकेंगे। जोधपुर जिले की फलौदी पुलिस ने पिछले 1 साल से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनिल कयाल ने बताया कि मोखेरी के मगराज उर्फ मेघराज सुथार को गिरफ्तार किया गया है। उस पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। कोविड की पहली लहर में बीकानेर स्थित पीबीएम हॉस्पिटल के 130 डॉक्टर रेजिडेंट एमबीबीएस स्टूडेंट पॉजिटिव हुए। कईयों की हालत गंभीर हुई। दूसरी लहर आई तब तक अधिकतर को पहला टीका लग चुका था। इसके बावजूद 110 डॉक्टर स्टूडेंट्स इस बीमारी की चपेट में आए। मरीजों की तीमारदारी में जुटे डॉक्टर्स का संक्रमित होना सामान्य बात है।
बड़ी बात यह है कि जिस दौर में हम देश भर में कोविड के डर से परीक्षाएं टालने के विकल्प ढूंढ रहे हैं, उस दौर में भी हमारे मेडिकोज रेजिडेंट लगातार नियमित कक्षाएं ले रहे हैं, पीजी के एग्जाम नियमित हो रहे हैं। जोधपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर सरस बूथ का लाइसेंस लेकर अन्य व्यापार करने पर सरस बूथ संचालकों के खिलाफ नगर निगम दक्षिण में सख्त कार्रवाई करते हुए 6 सरस बूथ को सीज करने की कार्रवाई की गई है। आयुक्त दक्षिण डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि इन सभी बूथ संचालकों को अंतिम नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर कैबिन हटाने के निर्देश दिए गए थे। नोटिस के बावजूद कैबिन नहीं हटाए तब उनके खिलाफ कार्रवाई की। बीकानेर में प्रॉपर्टी डीलर्स के माध्यम से करोड़ों रुपए की जमीन भोले भाले लोगों को बेच दी गई, लेकिन अब वहां न तो यूआईटेक का पट्टा मिल सकता है और न किसी बैंक से लोन। बिजली और पानी के कनेक्शन भी नहीं हो रहे। ऐसे एक दो नहीं बल्कि 24 कॉलोनियों के सैकड़ों प्लॉट हैं। अब यूआईटी ने विज्ञापन जारी करके इन कॉलोनियों में किसी तरह का कोई प्लॉट नहीं खरीदने का विज्ञापन जारी किया है। मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की 39वीं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह MIA सभागार में आयोजित किया गया। चुनाव अधिकारी श्याम कमल शर्मा ने बताया कि समारोह की मुख्य अतिथि शहर विधायक मनीषा पवार ने MIA की 39वीं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।